हेलो दोस्तों, आपसे एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एस एस सी एंड बैंक्स में। और आज दोस्तों मैं आपको कुछ हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन के धमाके बताने वाला हूँ। तो जैसा कि दोस्तों आप स्क्रीन पे देख रहे हो, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने कुछ धमाके किए हैं और उन धमाकों में कुछ जो पुरानी जो वैकेंसीज थी, जो एडवर्टाइजमेंट थे, उनको रीओपन किया है। कुछ वैकेंसीज को कैंसिल किया है दोस्तों। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ उन्होंने क्या क्या चेंज किया है, कुछ वैकेंसीज कम या ज़्यादा भी की हैं इन्होंने। तो सबसे पहले आप जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हो, एडवर्टाइजमेंट नंबर 7/2019 की हम बात करें तो इन्होंने इसकी पोस्ट जो थी पटवारी, जो लैंड रिकॉर्ड पटवारी, उनकी जो पोस्ट थी उनको कम कर दिया दोस्तों। उनकी पोस्ट अब रहेंगी 530। जी दोस्तों, पहले ज़्यादा पोस्ट थी और अब रहेंगी इनकी 530। तो दोस्तों पहला आपका यही है कि जो इसकी पोस्ट हैं वो कम कर दी गई हैं। और दोस्तों दूसरी बात बता दूं कि ये भी रीओपन हो चुकी हैं, ठीक है, ये वैकेंसी रीओपन हो चुकी हैं। मैं बताऊंगा आपको किस डेट से किस डेट तक ये रीओपन रहेंगी। तो जल्दी से आप, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि आपको नई नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों हम चेक करते हैं और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि सबको पता चल सके, क्योंकि पीछे जो वैकेंसियाँ रीओपन हुई थी उनका शायद ही किसी को पता चला हो, कुछ लोग ही शायद उसमें फिल कर पाए हैं। तो आप कुछ शेयर कर दिएगा ताकि सबको इसका पता चल सके। तो चलिए हम जो रीओपन वैकेंसी है उनके बारे में हम चेक करते हैं। चलिए जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, रिएक्टिवेशन ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन अप्लीकेशंस, और इसके बारे में बता दूं एडवर्टाइज नंबर 14/2019 की बात कर रहे हैं हम। पहले 14/2019 एडवर्टाइजमेंट नंबर है वो रीओपन हो चुका है और इसका जो लिंक है वो ये रहेगा आपका दोस्तों। जब भी आप किसी साइट पे जाओगे तो वहाँ पे हो सकता है थोड़ा मुश्किल रहता है, लिंक दोबारा उन्होंने एक्टिवेट किया है या नहीं किया है। तो आप हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन की साइट पे डायरेक्ट जाओगे, वहाँ भी आपको शायद ही लिंक मिले। तो आप ये लिंक उठाइएगा और यहाँ से आप इसको डायरेक्ट क्या कर सकते हो, फिल कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और जो हम फिलहाल देख रहे हैं वो है दोस्तों धमाका, जो अच्छे वाला कह सकते हो आप, जिसे कि रीएक्टिवेशन है। कौन कौन सा है? 7 नंबर, 8 नंबर और 9 नंबर, ठीक है दोस्तों। इसमें आप जो हमारी बात हुई है, इसमें पटवारी, कैनाल पटवारी और ग्राम सचिव की पोस्ट है दोस्तों, ये सभी क्या रीओपन हो गए हैं। और इसमें आपको क्या क्या करना है आप देख सकते हो, जैसा कि स्क्रीन पे आप देख रहे हो, पटवारी, कैनाल पटवारी और ग्राम सचिव। तो इनकी क्या डेट रहेंगी, क्या इनके लिंक रहेंगे, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इसमें आप देखोगे तो 7 नंबर 17/2 से रीओपन होएगा और 2/3 तक, 2 मार्च 2020 तक रहेगा। और इसकी जो फीस की क्लोजिंग डेट होगी 5/3 रहेगी और इसका लिंक आप ये देख रहे हो, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद 8 नंबर और 9 नंबर, ये तीनों के तीनों 17 फरवरी से स्टार्ट होंगे और 2 मार्च तक चलेंगे। और इसका जो लिंक आप देख रहे हो, यहाँ लिंक आप यहीं से उठाइएगा और यहीं से आप डायरेक्ट कीजिए, क्योंकि आप किसी वेबसाइट पर चेक करोगे वहाँ पर आपको रेयर चांस में इनके लिंक मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें, ये तो हमारा जो धमाका है जो रीओपन हुए हैं, और अगर हम और बात करें तो दोस्तों उसमें वो रहेगा कुछ पोस्ट जो पीछे अभी कुछ दिन पहले रीओपन हुई थी वैकेंसी, एडवर्टाइज नंबर 15/2019, उसमें से कुछ पोस्ट हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन ने दोस्तों कैंसिल कर दिए। चलिए मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ कौन सी पोस्ट उन्होंने वहां से, जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हो, जैसा मैंने आपको बताया था, इसमें जो आपका एडवर्टाइज नंबर है 2015/15/2019, और इसमें पोस्ट थी आपकी 23 पोस्ट क्लर्क की राज्य सैनिक बोर्ड के अंदर, एडवर्टाइजमेंट नंबर कैटेगरी नंबर थी इसमें 15। तो इसको जो कैंसिल कर दिया गया है दोस्तों, ये पोस्ट कैंसिल कर दी गई है, क्योंकि पहले वैसे भी कोई भी भर सकता था। उसके बाद इसमें अब की बार जो रीओपन किया उसमें जो आपके एक्स सर्विसमैन थे वो अप्लाई कर सकते थे, और अब इनको बिल्कुल ही कैंसिल कर दिया गया है दोस्तों। और ये सब कुछ धमाके थे, कुछ डेट एक्सटेंड, कुछ वैकेंसीज कैंसिल, और दोस्तों कुछ नई वैकेंसी भी हो सकता है। हमारा जो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन है वो अभी निकाले और पीछे को अगर कोई एडवर्टाइजमेंट रहता उसको भी रीओपन करेगा। तो आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, फरवरी और मार्च में ये सभी रीओपन चलते रहेंगे और इनको सभी को ध्यान से देखिएगा। जिसने नई फॉर्म फिल किया है वो आप फिल कर सकते हो दोस्तों, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि आपको नई नोटिफिकेशंस मिलती रहे। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि सबको पता चल सके जो वैकेंसी है रीओपन हुई है और कैंसिल हुई है, ठीक है दोस्तों। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।